मिथिलांचल की धरती बासोपट्टी के सिरियापुर गांव से दिल्ली की राजनीति में अपनी पहचान और धाक बनाने वाले हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, जो एक बार एमएलसी, तीन बार विधायक और एक बार सांसद रह चुके हैं और अपने द्वारा बिहार और बिहारियों के मान और सम्मान की वो हमेशा वहाँ रक्षा करते रहे और आवाज़ बुलंद करते रहे। हम बात करते हैं महाबल मिश्रा जी से, वो पधारे हुए हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि आपने दिल्ली में बिहार के लोगों को की हक और आवाज़ के लिए आवाज़ बुलंद किया है। देखिए, बताइए। देखिए, मैं पूरे पूर्वांचल के लोगों को मैं कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा मदद करके और हिंदुस्तान से कोने कोने आए हुए जनता, दिल्ली में जो लोग रहते हैं, सभी जात धर्म का समान रूप से मुझे मदद मिली। मुझे गर्व है जो मैं मिथिला में पैदा हुआ, बिहार में पैदा हुआ, इस भूमि को मैं नमन करता हूँ। लेकिन दिल्ली में मुझे कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय की चोटी और जम्मू तवी से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक के लोगों ने अपना समझा और मुझे मदद की। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि उसके लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ी। और एक समय था जो लोग ए बिहारी, ए पुरबिया, ललुआ, भैया कहा करता था, अब नाम से पुकारता है। तो पहले हम भीड़ थे, अब हम ताकत हैं। अब वो ताकत है तो प्रजातंत्र में ताकत वोट है, तो सबका वोट बन गया, राशन कार्ड बन गया, आई बना, लड़के पढ़ लिख लिए, सभी वहाँ सुरक्षित हैं। तो ये मुझे गर्व है, इसमें मुझे योगदान देने का मौका मिला। और साथ ही मुझे अपने आप पर गर्व है, जो बिहार की छठ पूजा जिस स्तर से वहाँ मनाई जाती है और छठ पूजा का डिमांड, जो छठ पूजा मने तीर्थ कमेटी में सम्मिलित हो, सरकार उसमें बजट दे और छुट्टी हो, ये सब सम्मिलित हुआ, तो मैं उस छठ माता का भी कृपा समझता हूँ। उनके कृपा से ही मुझे वहाँ सांसद बनने को मौका मिला, ये उठाए। और भाषा की बात कहूँ तो भोजपुरी और मैथिली अकादमी का गठन करा करके अपनी भाषा को भी मैं सुदृढ़ किया, इसलिए मुझे अपने आप पर बहुत ही गर्व महसूस होता है। और दिल्ली की जनता को नहीं बल्कि संपूर्ण देश के नागरिकों में बधाई देता हूँ, जो दिल्ली में मुझे सबने मदद किया जात धर्म से हटके, और मेरी सामाजिकता, राजनीति और सब पैठ जो रहा, सब जात धर्म के साथ रहा, उसी के रूप में मैं एमपी बना। आपका जो दिल्ली का खासतौर से राजनीति का जो सफ़र रहा, किस किस पद पर आप बढ़े? देखिए, मेरा राजनीतिक सफ़र एक आंदोलन से हुआ। वो आंदोलन था जो वहाँ बच्चे का नामांकन नहीं होता था, मेडिकल एड नहीं मिलती थी, क्योंकि उनका राशन कार्ड, आई कार्ड नहीं था, जिससे कि दिक्कत आती थी, उसे शुरुआत किया। और 1997 में मैं काउंसिलर बना, 1998 में मैं नसीरपुर से विधानसभा का लड़ा, 2003 में विधानसभा लड़ा, 2008 में द्वारका से विधानसभा लड़ा, और 2009 में पश्चिमी दिल्ली से, जहाँ से प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह चुनाव लड़े थे, उसी सीट से मुझे चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं जीता 2009 में। खास करके मिथिलांचल और बिहार से जो भी लोग इलाज कराने के लिए हो या कोई भी मदद के लिए पहुंचते हैं या कोई पैरवी होता है, तो उसमें आप आगे दिखते हैं। देखिए, मेरे यहाँ कभी गेट नहीं लगा, मेरे यहाँ कभी आइए, ये गेट कभी लगता नहीं है, ना चौकीदार है, ना गेट है, ना चौकीदार है। रिक्शा से आया तो, टमटम से आया तो, कार से आया तो, सब एक कमरे में घुसते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं और उसी जगह संवाद करता हूँ। जो मदद हो सकता हूँ, जितना कर सकता हूँ, वो करता हूँ और करता रहूँगा। अच्छा, हमको बताइए कि अभी राजनीति की बात करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की जो वर्तमान स्थिति है, पार्टी का उत्थान हो
इसके लिए अब पार्टी क्या सोच रही है? देखिए, अभी पार्टी का जब पतन की ओर जाता है तो बुद्धि थोड़ा सा भटक जाता है, तो भटके हुए बुद्धि में हम हैं अभी। पार्टी का हम भटके हुए बुद्धि में हैं। यदि अपने आप को राय लेके काम नहीं करेंगे, बुजुर्ग को से आप छोड़ के नौजवान से ही कहिए, नौजवान हमारा रीढ़ की हड्डी है पीढ़ी, लेकिन राय तो बुजुर्गों का ही चलेगा तो अच्छा रहेगा। जी जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है और आम आदमी की सरकार शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में किस स्थिति में आप देख रहे हैं सरकार? मैं देखिए, आप कहेगा पक्षपात, उसमें मेरा बेटा भी विधायक है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से शिक्षा, अस्पताल और मैं समझता हूँ ट्रांसपोर्टेशन, गरीबों की मदद करने में अग्रसर हुआ है, वो आज देश में सभी सरकार एडॉप्ट कर ले तो देश के लोग गरीब नहीं रहेगा, उन्नत के रास्ता अपनाएगा। अभी ये ओबीसी जनगणना की बात चल रही है, मतलब जाति आधारित जनगणना, उस पर बताइए। देखिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक हिंदुस्तानी है और जात धर्म की बात अपना करे अलग बात है, शादी करे ना लड़की को शादी करे, अपना धार्मिक अनुष्ठान करे, अपने जातगत के आधार करें, लेकिन हर नागरिक हिंदुस्तानी है। जनगणना जनसंख्या के होनी चाहिए, लेकिन जातगत आधार पर जनसंख्या बताना, ये मैं समझता हूँ राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है। जनगणना हिंदुस्तान में कितनी नागरिक है उसका होना चाहिए, और उसमें तो लिखा ही जाता है, जात तो लिखा जाता है, जात तो लिखा जाता है, तो जो जात है उस पर विशेषण ना लगा करके आप सिर्फ जात लिख दीजिएगा, ये लिखते हैं भूमिहार ब्राह्मण, कोई लिखता है मैथिल ब्राह्मण, कोई कानकुज ब्राह्मण, तो ये विशेषण लगा के लिखना बंद कर दे। जातगत आधार नहीं, जातगत जनगणना नहीं, संख्या के जनगणना होना चाहिए। जातगत जनगणना राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है। अच्छा, आपके बनाई हुई जमीन पे आपके पुत्र विनय मिश्रा जी आपके विधायक हैं, और आपका राजनीतिक भविष्य आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, मेरा बनाए भूमि पर नहीं, उनकी अपनी काम करने की क्षमता, 2002 से मेरे साथ वो काम करते आए हैं, तो उनकी पहचान अपनी काम से हुआ, और दिल्ली सरकार का जो वहाँ काम हुआ, अच्छा काम हुआ, उसका भी प्रभाव पड़ा। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने पुत्र की ही निजी जीत नहीं कह सकता हूँ, वो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का भी जीत है, उनके काम का, उनके नीति का, शिक्षा नीति और जो स्कूल का जो प्रारूप बदला है, जो पब्लिक स्कूल को छोड़ करके जो लोग आज सरकारी स्कूल में पढ़ने आते हैं, तो आज वो अच्छा लगा लोगों को। दूसरी बात, गरीब लोगों को बिजली पानी की फीस माफ़ हुआ, तो भाई आप जानते हैं जो गरीब लोगों को फ़ायदा मिला, और ट्रांसपोर्टेशन में फ्री चलता है, तो सरकार उसके लिए और रास्ता ढूंढे, और गरीब किस तरह से गरीब का उत्थान हो इस पर सरकार सोचे, तो वही सरकार मजबूत बनेगा भविष्य में, वो सरकार नहीं है। पूर्वांचल और बिहार के लोग पहुंचते थे आपके दरबार में दिल्ली में, किसी भी कोई भी ऐसी परिस्थिति, कोई मदद के लिए, तो आप किस प्रकार से उसका मदद किया करते थे? मैं तो आपको कहूँ, यदि मैं कहने लगूँगा तो बड़ाई हो जाएगा, इसलिए सब कुछ छुपा कर रखना चाहिए। हमको जिस रूप में भी वो मदद मांगा वो हमने किया। लाश जलाने की लकड़ी का भी मांग हुई, और टिकट की भी मांग हुई, शादी में भी मांग होता है, मेडिकल एड के लिए भी मांग होता है, तो जो हमसे बन पाता है वो हम आर्थिक मदद भी करते हैं। वर्तमान हालात चल रहा है देश का, उस पर किस अनुसार से देखते हैं? देखिए, वर्तमान परिस्थिति में अभी जमीनी हकीकत पर बात नहीं हो रही है। जिस दिन जमीनी हकीकत, आज हमारा बच्चे अनएम्प्लॉयड है, समस्या हमारा भविष्य में जो आने वाला पीढ़ी है वो नौकरी कैसे सृजन करेगा, समाज का कैसे उत्थान करेगा, देश में भविष्य की लोग कैसे निर्माण करेंगे, उस पर जब तक बात नहीं होगी तब तक राष्ट्र सुदृढ़ नहीं होगा। अभी जो बात हो रही है वो समन्वय की बात नहीं, विभिन्नकारी की बात हो रही है।
और सामाजिक संगठन को तोड़ने की बात हो रही है उस पर विश्वास नहीं। हम सब समाज को लेकर चले तभी देश उन्नति कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ और हम चाहेंगे कि अपने खास करके मिथिला के लोग जो कोई भी ऐसी परिस्थिति हो, आप तो मदद करते ही हैं, अब मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं कि कोई अगर परिस्थिति हो तो मेरे पास पहुँचे आपके पास? मैं मिथिला लोगों को बहुत प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ, उनके हम बच्चे हैं, भविष्य में कभी किसी को जरूरत पड़े तो हम आगे अग्रसर होकर मदद करेंगे। लेकिन मैं तमाम मिथिलावासी से प्रार्थना करता हूँ, जो आप एक रोटी कम खाएं लेकिन बच्चों की भविष्य के निर्माण के लिए अपने बच्चों को सुशिक्षित करें और आगे बढ़ावें और उनका प्रेरणा दें जो किस तरह से राष्ट्र का निर्माण होगा, देश का निर्माण होगा, उसका प्रेरणा दें। धन्यवाद। आप थे ये दिल्ली पश्चिमी जो सीट है लोकसभा का, उससे सांसद और कई बार MLA रह चुके हैं, तो हम बात कर रहे थे महाबल मिश्रा से। आप निश्चित तौर पर चैनल से जुड़े और फिर हम बात करते हैं अगली खबर के लिए। तब तक आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।